ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के ऑडिटोरियम में चल रहा ये कार्यक्रम है पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित और प्रचारित करने के लिए। यूं तो पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने का काम कई संस्थाएं लगातार करती आ रही हैं, लेकिन जो काम पंजाबी हेल्पलाइन द्वारा किया जा रहा है वो इस संस्था को औरों से अलग बनाता है, क्योंकि ये संस्था न केवल लोगों को पंजाबी के प्रति जागरूक करती है बल्कि जो अध्यापक स्कूलों में पंजाबी भाषा को पढ़ाते हैं उनका भी हौसला बढ़ाती है। दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में पंजाबी विषय में अपना 100% रिजल्ट देने वाले अध्यापकों को इस कार्यक्रम के द्वारा पुरस्कृत किया गया। पंजाबी हेल्पलाइन इसी तरह से अध्यापकों को साल 2005 से पुरस्कृत करती आ रही है, ताकि अध्यापक भावी पीढ़ी को पंजाबी लिखना और बोलना तो सिखाएं ही, साथ ही उनको अपनी भाषा के प्रति सम्मान भी महसूस करा सकें। पंजाबी हेल्पलाइन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाबी जागरण अखबार के एडिटर सरदार वीरेंद्र सिंह वालिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उनके अलावा SCERT के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नाहर सिंह, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर कुलवंत सिंह, स्वान पब्लिकेशन से मुकुल खन्ना, डाइट केंद्र के प्रिंसिपल डॉक्टर आलम शिरकत करते नजर आए, जिन्होंने पंजाबी भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उपस्थित अध्यापकों का धन्यवाद किया और पंजाबी हेल्पलाइन की तारीफ भी की। देखो जी, पंजाबी हेल्पलाइन वालों ये जड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये बहुत वधिया उद्यम हैगा। ये नाल जड़ा हैगा पंजाबी भाषा जड़ी आ उन्नत होएगी। एक जड़ा पंजाबी बारे जड़े वितकरे की भी गल करते सीगे, दिल्ली दे विच जड़ी है दूजी भाषा भावें अनाउंस हो गई है लेकिन वो लागू नहीं हुई, क्योंकि जड़ी हैगी मैं कहना ना कि एक मात भाषा होंगी है कि धरती माँ की भी बोली होंगी है, इस करके जड़ा है धरती के उत्ते यहोजी दे पंजाबी तो अलावा दूजिया भाषावां भी लोग सीख रहे हैं, लेकिन जी है भी माँ बोली का जोड़ा है वो प्यार करना चाहिए तो दूजिया भाषावान का सत्कार करना चाहिए। इस वास्ते जो पंजाबी हेल्पलाइन आदा बहुत व्डा उद्यम है, और इस तो भी वही गल यह कि इन सारे साथियों ने अपनी जेब के पैसे खर्चे और किसी भी जरा सरकार वालों ज किसी होर को कोई दान कुछ नहीं लिया, इन्होंने अपनी जेबा के जोड़े पैसे खर्चे ने वो बड़ा व्डा उद्यम हैगा। मैं कहना भी इन्हों मेरा सलाम हैगा। जहाँ तक पंजाबी को प्रमोट करने की बात है, मैं बीइंग एकेडमिक अथॉरिटी होने के कारण जितने भी सरकारी विद्यालय हों या मान्यता प्राप्त विद्यालय हों उनके अंदर जो भी टीचर्स काम करते हैं उनके लिए इन सर्विस प्रोग्राम जिसे हम सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं उनमें टीचर्स को अधिक से अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसमें हम प्रचार और प्रसार दोनों ही चीज़ों पर इम्पोर्टेंस करते हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हिंदी हो, इंग्लिश हो या दूसरी भाषाएं, उसी तरह से पंजाबी को भी प्रमोट करना। सब तो पहला तो मैं पंजाबी हेल्पलाइन दे सारे ही प्रबंधकों नूं इस गल दी बधाई देना कि उन्होंने जो अज उपराला कीता है, अपने जिन्हें भी साडे अध्यापक साहबान हैं जिन्होंने अपने अपने खेत्र दे विच अपने अपने स्कूलों दे विच पंजाबी विषय दे विच 100% जिहड़ा रिजल्ट दिता है उन्होंने सम्मानित करन दी अज जो उन्होंने ये अज उपराला कीता मैं उसकी बधाई देना। और दूसरे पासे जितों तक पंजाबी भाषा की गल करां, अज पंजाबी भाषा पूरे संसार दे विच एक लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, हर बंदा पंजाबी गल करनी चाहता, हर बंदा पंजाबी का जिहड़ा कल्चर है उन्हों अडोप्ट करना चाहता, और देश च ही नहीं विदेशों के भी लोग जिहड़े पंजाबी जिहड़े बैठे आ पंजाबी दे नाल प्यार करन वाले बैठे आ वो पंजाबी की भाषा नूं प्रफुल्लित करन वास्ते तरह तरह के उपराले करते हैं, जिहदे विच मैं समझदा कि पंजाबी हेल्पलाइन का भी जिहड़ा उपराला वो शलाघायोग है। और आने वाले समय के मैं अज तुहाडे माध्यम के नाल एक गल कहनी चाहुंदा कि पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करन वास्ते जिन्हें भी पंजाबी है उन्हां पंजाबियों नूं अपने बच्चों के नाल पंजाबी च गल करनी चाहिए है, अपनी जिहड़ी आ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਖਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਵੀ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ 3 ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਔਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਜਿੱਤਨੇ ਵਾਲੇ ਤੀਨੋ ਅਧਿਆਪਕੋ ਕੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਮਹੱਤਵ ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡਾਲਾ।
पंजाबी हेल्पलाइन पिछले तकरीबन 13 साल तो लगातार पंजाबीयत नूं प्रमोट करन वास्ते, पंजाबी भाषा नूं प्रमोट करन वास्ते और पंजाबी मां बोली नूं प्रमोट करन वास्ते जद्दोजहद बहुत वड्डी कर रही है। खास करके दिल्ली वर्गे जिहड़ा कि एक महानगर है जिहदे विच बहुत होर किस्म की पापूलेशन आउंदी है, तकरीबन हर देश तो देश के हर कोने तो, उहदे विच अपनी मां बोली नूं बचाए रखना जिहड़ा बहुत वड्डा एक चैलेंज हुंदा, चुनौती हुंदी है। और इन्हां ने चाहे वह स्कूलों दीआं रिक्वायरमेंट्स ने या वो टीचर्स दीआं खास करके जरूरत ने किताबों के बच्चों नूं प्रोत्साहित करन दे विच, वो पंजाबी हेल्पलाइन ने बहुत वड्डा एक उद्यम किया होया। क्योंकि मैं आप पंजाबी का अध्यापक भी हाँ, अध्यापन नाल जुड़िया होया है, तो मैनू पता है कि हर अध्यापक दे दिली इच्छा हुंदी है कि उसकी मेहनत नूं रिकोगनाइज किया जाए, किते उहनूं मान सन्मान दिता जाए। इस गल दे मद्देनज़र जिहड़ा असी पंजाबी हेल्पलाइन आदि संस्था बनाई जिहड़ी विद्यार्थियों अध्यापकों के लिए मदद कर रही है, किस तरह नाल उसे सिलेबस नाल पाठ पुस्तकों के नाल, तो जिहड़े अध्यापक 10वीं ते 12वीं दे अंदर बोर्ड दे अंदर CBSE दे अंदर 100% 100% नतीजा देंदे हन, उन्हां अध्यापकों नूं जिहड़ा है मान सम्मान देने दे लई असी इहो जिहे प्रोग्राम उलीकदे हाँ कि अध्यापकों नूं मंच ते बुलाइए ते उन्हां दी मेहनत, उन्हां दी जज्बे, उन्हां दी सेवा नूं सलाम करिए। खुद को सम्मानित होता देख प्रांगण में मौजूद सभी अध्यापकों के चेहरे पर खुशी का माहौल था। सभी इस पल को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तो कुछ अध्यापक इस कार्यक्रम से खुद को मोटिवेट कर रहे थे और ये मान रहे थे कि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बहुत ही सम्मानित लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पंजाबी हेल्पलाइन वालों सानू ये सम्मान दिता गया है, तो बड़ा ही वधिया प्रोग्राम इन्होंने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है होर दायित्व साडा वध गया है, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਗੱਲ ਹੈ। पंजाबी देश और विदेश में अपने पैर कितने हद तक जमा पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम अगर लगातार होते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाबी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर